नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर में रखी सात चीजें बरसाएंगी दौलत, घर में रखी सात चीजें बढ़ाएंगी शोहरत, घर में रखी सात चीजें कराएंगी बरकत, घर में रखी सात चीजें बदलेंगी किस्मत। जानिए गुड लक बढ़ाने वाली सात चीजें सिर्फ कालचक्र में। जीवन में तरक्की और खुशहाली की चाह भले किसे नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाए, जीवन में आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। और इसी चाहत को पूरा करेंगी सात चीज़ें जिन्हें आपको अपने घर की एक खास दिशा में रखना या लगाना है। वो कौन सी हैं सात चीज़ें जो आपको पैसा, पावर, प्यार, प्रॉपर्टी और हर तरह की सफलता दिला सकती हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही एक और सूचना जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये कि 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोज़ हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और भी ज़्यादा खास बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01206625241। और आज हम कालचक्र में उन सात चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख संपन्नता आती है और घर में मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो कहा गया है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहेऊं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब कुछ पूर्व निर्धारित है और सब कुछ विधाता के हाथ में है। हम मनुष्य तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जैसे ईश्वर नचाता है वैसे हम नाचने के लिए विवश हैं। लेकिन मनुष्य कर्म योनि में पैदा हुआ है और इसे कर्म करने के पूरे अवसर मिले हुए हैं, इसलिए कि इसे भगवान ने मस्तिष्क दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है। और शास्त्रों का ज्ञान दिया है, उत्तम आचरण करके दुखों से निवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में दिखाया गया है। वैसे तो होनहार बिरवान के हो चीकने पात, होनहार तो बड़ी भारी चीज़ है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम तौर पर अगर जीवन में सुख संपन्नता में कमी आ रही है, आपके मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी आपका जीवन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व की दिशा में एक कलश की प्रतिमा जरूर आपको रखना चाहिए। घर में कलश की मूर्ति रखने से अन्न धन की कमी दूर होती है। मेरा तो अपने सभी दर्शकों से सुझाव है कि एक सुंदर छोटा सा चांदी का कलश, एक सुंदर सा छोटा सा चांदी का कलश गंगा जल भर करके उसके ऊपर चांदी की कटोरी का ढक्कन रख करके थोड़ा सा चावल रख करके उसके ऊपर एक सुपारी रख दीजिए और इसको अपने ईशान कोण पूजा घर में परमानेंट रख दीजिए। आपके घर के दुख दरिद्रता को अकेले ये कलश ठीक कर सकता है। समय समय पर गंगा जल देखते रहिए और इस गंगा जल को परिपूर्ण करते रहिए ताकि कलश खाली ना हो। चावल भी समय समय पर बदलते रहिए। चावल और सुपारी को किसी नदी या किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए, नई सुपारी नया चावल महीने भर में एक बार जरूर बदलते रहिए। और हो सके अगर घर में कलावा हो तो रोज़ पूजा करते समय छोटा सा कलावा तोड़ करके उस चावल और सुपारी पर रख दीजिए। आप देख लीजिए ये उपाय करके, थोड़ा महंगा है, चांदी का कलश खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा उपाय है, लेकिन देख लीजिए अगर घर में आपके उन्नति नहीं हो पा रही है, लोग रोजगार परक नहीं हो पा रहे हैं, लोग लास्ट मोमेंट में असफल हो जा रहे हैं,
घर में नौकरी लोगों को एक नंबर दो नंबर से नहीं मिल रही है, तो ये उपाय जरूर करके देखिए। मेरा विश्वास है कि ये अमृत कलश आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। घर में रखी हुई कलश की मूर्ति बीमारियाँ भी दूर करती हैं, ये भी समझ लीजिए। घर में अगर विवाह शादी के योग्य लड़के लड़कियाँ हैं और विवाह शादी नहीं हुई है, तो अगर आप कलश रख करके और कलश के ऊपर रोज चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुरू कर दें और कलश की पूजा करना शुरू कर दें, तो आप विश्वास करिए बहुत जल्दी घर में शहनाई बजना शुरू हो जाएगी। उत्तर पूर्व दिशा में ही लेकिन कलश की स्थापना करनी है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर आप चांदी का कलश नहीं ले सकते हैं तो एक मिट्टी का छोटा सा कलश ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा चांदी का 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम का छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए और डाल करके उसको उसका मुख सफ़ेद कपड़े से ढक करके बंद कर दीजिए और उसे घर की उत्तर पश्चिम दिशा में, जहां आपका ड्राइंग रूम होता है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम होना चाहिए वास्तु के हिसाब से, उस दिशा में कहीं उसे छिपा के रख दीजिए। आप देख लीजिए घर में कैसे उन्नति होती है, अन्नधन कैसे भरा रहता है। लेकिन नीचे एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए, ऊपर से साबुत चावल भर दीजिए और सफ़ेद रंग के कपड़े से उसका मुंह ढक करके कलावे से बांध दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के कलश में पानी भर करके अगर हमेशा रखा जाए तो इससे पितर संतुष्ट होते हैं। और समय समय पर मिट्टी के कलश का पानी आप पीपल के पेड़ में डालते रहिए और पानी बदलते रहिए। कलश का पानी बदलने से पहले इसके बचे हुए जल को पूरे घर में आप छिड़क भी सकते हैं। इस घर का, इस कलश में रखा हुआ जल अमृत का कार्य करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और भी ज्यादा खास बन जाएगा। घर में कौन सी चीज रखने से घर के सदस्यों की बल बुद्धि और यश कीर्ति बढ़ती है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोवरिं स्वर्पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। ग्रहों के राजा जो हैं वो सूर्यदेव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रहों के राजा कौन हैं? सूर्यदेव हैं। और हम सनातन धर्मी सूर्य की उपासना ही करते हैं, अनादिकाल से सूर्य की उपासना, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जप, सूर्य को अर्घ करना हम सनातनी धर्म के लोगों का एक प्रमुख लक्षण है। सूर्य की प्रतिमा घर में लगाने से शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न होता है। एक तांबे का सूर्य प्रतिमा बनवा करके और अगर उसे पूरब की दीवार में लगा दिया जाए तो आप विश्वास करिए, अगर सूर्य की प्रतिमा को बराबर साफ सफाई किया जाए, तांबे की चमक बरकरार रहे, उस पर धुधलापन या मतलब कि मैल न बैठने पाए, तो जो भी व्यक्ति उस सूर्य प्रतिमा पर अपनी आँख अपनी दृष्टि डालेगा उसके मन में आत्मविश्वास जागृत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। घर में लगी सूर्य की प्रतिमा बल बुद्धि और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जानते हैं इससे क्या होता है? इससे समाज में आपका संपर्क ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका आत्मविश्वास देखने लायक होता है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तांबे से बनी सूर्य प्रतिमा को ही घर में लगाएं, ध्यान रखिएगा, तांबे के अलावा और किसी मेटल की सूर्य प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, केवल सूर्य प्रतिमा तांबे की होनी चाहिए। और सूर्य प्रतिमा को घर के पूरब दिशा में जमीन की सतह से 7 फीट की ऊंचाई पर आपको दीवार में लगाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि जहाँ भी सूर्य प्रतिमा लगाई जाए उसके नीचे जूते चप्पल न निकाले जाएं, उसके नीचे झाड़ू न रखी जाए,
उसके नीचे डस्टबिन न रखी जाए, उसके नीचे कोई गंदगी न की जाए, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो सूर्य की प्रतिमा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपका आत्मविश्वास आपको जीने का सही राह दिखाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई से जी चुराता है, एग्जाम में जाते ही सब कुछ भूल जाता है, तो कौन सी है वो चीज जिसे घर में जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ही करना चाहिए। कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का प्रतीक है। ओम गणानांत्वा गणपति गंग वामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गंग वामहे, निधि नांत्वा निधिपति गंग वामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधमा। भगवान गणेश का वास, भगवान गणेश की कृपा स्वास्तिक के चिन्ह में रहती है। स्वास्तिक का चिन्ह कुछ लिखना पढ़ना भी है तो श्री गणेशाय नमः लिखने के अगल बगल स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, अपने खाता बही में भी स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, बच्चों की पढ़ाई की किताब के पहले पेज में स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, तो निश्चित रूप से ये बेहद लाभकारी साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हर बार एग्जाम से पहले आपका बच्चा सब कुछ भूल जाता है, तो घर में पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। ये स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनाएंगे? सिंदूर थोड़ा सा ले लीजिए, पीला वाला सिंदूर, और घी ले लीजिए, घी और सिंदूर को आपस में उंगली से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद अनामिका उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह दीवार पर बनाइए, दीवार भी गंदी और ख़राब ना होने पाए, स्वास्तिक का चिन्ह भी देखने में अच्छा हो। बच्चे के स्टडी रूम में बच्चे के ठीक सामने अगर ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई में चार चांद लग जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साफ़ सुथरी दीवार पर, सीलन वाली दीवार पर ये नहीं बनाना चाहिए। जो दीवार साफ़ सुथरी हो, इस पर अच्छा पेंट हो, वहाँ सुंदर ढंग से कलात्मक तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह अगर बना दिया जाए तो बच्चों के लिए तो ये रामबाण है और बच्चों के भविष्य के लिए तो ये बहुत अत्यंत लाभकारी है। बच्चों के स्टडी रूम में अगर बच्चों के आँख के सामने ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाए तो निःसंदेह बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। प्रिया हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। अनुप्रिया जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ सुखी रहो बेटा। पंडित जी हमारा नौकरी कब होगा? आप अपनी उम्र बताइए। 25 साल 89। हाँ मंगल और शनि चतुर्थ दशम में है, अभी नौकरी की कोई संभावना नहीं है। शत्रु बहरा दृष्टि से, दोनों प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। 25 फरवरी 2025 तक अभी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, और आप हो सके तो प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए नौकरी की तलाश करें। तो जरूरी सूचना, 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं, आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं, आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और भी ज़्यादा खास बन जाएगा, किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। तो तीन चीजों के बारे में तो आपने जान लिया है, पंडित जी ने आपको बता दिया है, और अब चौथी चीज के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि आप अपने ईमेल भेजते हैं और हम उस लकी विजेता की कुंडली पंडित जी को दिखवाते हैं, पंडित जी उस कुंडली को देखते हैं, उपाय बताते हैं। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, थोड़ी देर में आज के लकी विजेता कौन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए वो चौथी चीज कौन सी है जिसे घर में रखने से पैसों की तंगी दूर होगी, बिजनेस बढ़ेगा, लंबे समय से अटका हुआ लोन भी क्लियर हो जाएगा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए घोड़े जो है हमारे सनातन धर्म में, घोड़े शक्ति के प्रतीक हैं। आधुनिक विज्ञान के जमाने में भी
अगर कहीं कोई यंत्र लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, तो उसको कहते हैं कितने हार्स पावर का है, 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर। हार्स मतलब शक्ति का प्रतीक, घोड़ा मतलब शक्ति का प्रतीक, गति का प्रतीक। और घोड़े का रंग अगर सफेद हो तो ये सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको अपने नए या पुराने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है, आपने इसके लिए बैंक से लोन लेने का आवेदन दिया है लेकिन वह क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप सफेद घोड़ों की चांदी से बनी प्रतिमा का एक जोड़ा अपने वर्किंग टेबल पर उत्तर की दिशा में या पश्चिम की दिशा में उसको रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में रखी गई अलमारी पर ऊपर भी उसे आप रख सकते हैं। घर में रखी घोड़ों की मूर्ति का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घोड़ों की ऐसी प्रतिमा घर में रखें जिसमें वो दौड़ते हुए दिखाई दें, खास करके 7 सफेद घोड़ों का चित्र एक साथ हो और आपके सिटिंग चेयर के ठीक पीछे लगा हुआ हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 1 मिनट के लिए खाली नहीं रहेंगे, हर समय व्यस्त रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र कभी बेडरूम में ना लगाएं। अगर बेडरूम में आप लगाएंगे तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आएगी। उसका कारण पूछिए क्या है भैया, क्यों कड़वाहट आएगी, घोड़ा क्या कड़वाहट करेगा। आप अपने जीवन संगिनी को समय नहीं दे पाएंगे, आप अपने व्यवसाय में अपने नौकरी में इतना उलझे रहेंगे, इतना उसमें टेंशन में रहेंगे कि आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को समय नहीं दे पाएंगे। उसका परिणाम होगा कि घर में मनमुटाव और कलह की स्थिति होगी। इसलिए बेडरूम में 7 घोड़ों का दौड़ते हुए चित्र नहीं लगाना चाहिए, इसे ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए या अपनी ऑफिस में लगाना चाहिए, अपनी ऑफिस में अपने ठीक पीछे लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हर समय आप क्रियाशील रहेंगे, हर समय आप गतिशील रहेंगे और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके चेहरे पर उदासी और हताशा के भाव नहीं रहेंगे। आप ये विश्वास करिए, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, गति का प्रतीक है और अगर सही ढंग से इसके चित्र लग जाएं तो निश्चित रूप से जीवन में मनोबल में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसको आप करके आजमा करके देख लीजिए, आपको खुद महसूस होगा। अगर आप आलसी हैं और आलस से आपका छोड़ता नहीं है तो आप अपने वर्किंग चेयर के पीछे एक बार 7 घोड़े का दौड़ते हुए 7 घोड़ों का चित्र लगा करके देखिए। जय माँ विन्ध्यवासिनी। 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं, आप अपने वीडियोस हमें भेजिए और कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन जाइए। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का आप मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी मेल आईडी जो है kalchakra@bajnetwork.in पर आप भेज सकते हैं। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा खास बन जाएगा। अगर किसी गलतफहमी की वजह से शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है या आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो कौन सी हैं वो चीज़ें जिसे बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। लव बर्ड्स, इसका अर्थ भी आप समझ रहे होंगे, लव माने प्यार होता है, बर्ड्स माने चिड़िया। इसको कहते हैं हिंदी में प्रेमी परिंदा। अगर किसी गलत फहमी के कारण पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आजकल तो मोबाइल में अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया और कोई मतलब कि टेलीफोन आया और आपने ठीक से छिपा करके बात करने की कोशिश की, तो ये भी वैवाहिक जीवन में कड़वाहट का बहुत बड़ा कारण मोबाइल बना हुआ है। अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में तनाव हो रहा है तो अपने बेडरूम में आप
प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी लव बर्ड्स की मूर्ति रख सकते हैं, या फेंगसुई का जो लव बर्ड्स मिलता है उसे भी आप अपने खरीद करके घर ले आएं और उसे उत्तर की दीवार में या पूरब की दीवार में 7 फीट की ऊंचाई पर लगा दें। प्रेमी परिंदे 2 पंछी होते हैं जिनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी होते हैं और वो दोनों बच्चों के साथ खुश होते हैं। ये चित्र लगा करके आप अपने शादी में आई कड़वाहट को दूर कर सकते हैं और यदि विवाह देर से हो रहा है या देरी हो रही है तो उसमें भी शीघ्रता हो सकती है। बच्चों के कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लव बर्ड्स की मूर्ति रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चों के शादी के योग बनेंगे, उन्हें अच्छे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। लव बर्ड्स तो हर उन युवा दंपत्ति को अपने घर में रखना चाहिए जिन्हें संतान प्राप्ति करनी है या जिन्हें काम काज से फुर्सत नहीं मिलती है, कम समय अपने जीवन साथी को दे पाते हैं, उनको लव बर्ड्स अपने यहाँ जरूर स्थापित करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है कि इससे बहुत अच्छा मानसिक संतुलन बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी है वो चीज़ जिसे घर में रखने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, साथ ही सभी दुख और चिंताएं भी दूर हो जाती हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वैसे तो मन मतंग मानत नहीं जब तक खता न खाए। मनुष्य का मन जितना ही ज़्यादा तृप्त पूर्ति को प्राप्त करता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो घर में उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन पर पीतल से बनी कामधेनु गाय की सुंदर प्रतिमा, घर में कामधेनु गाय की प्रतिमा रखने से सभी दुख और चिंताएं दूर हो जाती हैं। एक सुंदर से टेबल पे, जिसको स्टूल भी कहते हैं, टेबल पे घर में रखी कामधेनु गाय की प्रतिमा, पूरब तरफ मुंह किए हुए कामधेनु गाय खड़ी हो, साथ में उसके बच्चा भी हो, ये नकारात्मक ऊर्जा को क्षण भर में दूर करती है, वास्तुदोष को दूर करती है और घर में बरकत लाती है। कामधेनु की प्रतिमा को आप समय समय पर साफ सुथरा करते रहिए, उसको चमकाते रहिए। पीतल की प्रतिमा को अगर जरा सा नींबू लगा करके आप सप्ताह में 15 दिन में एक बार साफ करते रहेंगे, वो प्रतिमा चमकती रहेगी और आपके घर की रौनक बढ़ती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज के लकी ईमेल विजेता कौन है ये हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ी देर में आपको नाम पता चलेगा, हो सकता है वो लकी विजेता आप ही हों। आप नौकरी पेशा हैं और आपको कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको घर में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए जिससे आपकी ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं और जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आपको ट्रबल, परेशानी, दिक्कत महसूस हो रही है, आपके ऊपर काम करने वाले लोग, आपके सहयोगी आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो घर में पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में टेबल या जमीन पर मिट्टी से बने हिरण की एक प्रतिमा आप रख सकते हैं, दौड़ता हुआ हिरण। ऐसा करने से आपके ऑफिस में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर इसे आप अपने ऑफिस में लगाएं तो ये और अच्छा होगा, लेकिन ऑफिस आपका होना चाहिए, सभी लोगों का काम में मन लगेगा। और अगर कोई ऐसी आपके पास पेंटिंग हो जिसमें 3-4 हिरण दौड़ते हुए हों और उसे आप उत्तर और पश्चिम की दीवार पर लगा दें, तो विश्वास करिए आपका व्यवसाय इतना तेज़ी से गतिमान हो जाएगा और आपके अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी जिसे देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं महाराष्ट्र के रहने वाले प्रियोश, इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा। चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, डिटेल्स में आपको बता देती हूँ, प्रियोश त्रिलोक कुमार गुप्ता इनका नाम है, 28/9/1988 शाम को 5:43 इनका जन्म का समय है, सकोली महाराष्ट्र। जानना चाहते हैं 2018 में इनकी शादी हुई थी, तलाक का केस कोर्ट में है, कोई फैसला नहीं हुआ, हर 2-3 साल में नौकरी बदल रहा हूँ, कारोबार करूँ या नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूँ। देखो श्रद्धा, ऐसा है कि एक बार डिटेल मिला लो, प्रियोश गुप्ता 28/9/1988 5:43 सायंकाल सकोली महाराष्ट्र का इनका जन्म है।
देखो ऐसा है पीयूष, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में दो क्रूर ग्रह और एक पाप ग्रह। क्रूर ग्रह जो है मंगल और सूर्य, और पापक ग्रह शनि विराजमान है। आपकी संपूर्ण जिंदगी बहुत उलझी हुई है। सूर्य की मंगल पर दृष्टि अंगारक योग बनाती है, जिससे आपके अंदर गुस्सा आता है। आपके सातवें भाव का स्वामी बुध मृत्यु भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति से छठा आठवां है, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पाया और तलाक की स्थिति बनी हुई है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल भले ही लग्न में है, लेकिन राहु का व्यय भाव में होना आपकी आर्थिक स्थिति को जर्जर करता है, कमजोर बनाता है। और इस समय राहु की महादशा भी चल रही है। राहु जबकि अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में बैठा हुआ है, ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपको 81 दिन करना चाहिए, और आपको पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, और 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल गंगा जी के किनारे किसी भिखारी को दान करना चाहिए। इसके बाद आपके जीवन में सुधार की संभावना शुरू होगी। लेकिन बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको बुध ग्रह की शांति करानी चाहिए और स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो आप दूसरा विवाह भी करेंगे तो उसमें भी अनबन की स्थिति रहेगी, वो भी विवाह ठीक से नहीं चलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवरिया से, विजय जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए विजय जी। बहुत दिन से बीमार रह रहे हैं बाबा जी। जी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है हमारी, जरा बताइए क्या करें। अपनी उम्र बताइए। उम्र 54 है सर। 54 साल जी। 54 साल। मुझे ये लग रहा है कि मंगल लग्न में बैठा हुआ है, केतु छठे भाव में बैठा हुआ है, रक्त और नसों से संबंधित आपकी बीमारी है, खून और नस से संबंधित बीमारी है। इसमें मतलब कि शुगर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और ब्रेन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप रोज़ स्नान करने के बाद भगवान शिव को जो भस्म विभूति लगाई जाती है, वही भस्म विभूति मंगा कर अपने घर रख लीजिए, और पहले एक बार उस पूरी भस्म विभूति को किसी शिवलिंग का स्पर्श करवा दीजिए, और उसके बाद उसे घर ले आइए, एक कटोरी में थोड़ी सी विभूति डाल करके रख दीजिए, और उसे दोनों हाथों में मल करके पूरे शरीर में नहाने के बाद लगाइए, खास करके अपने नाभि पर और अपने पूरे शरीर पर आप उस भस्म विभूति को लगाइए, और उसके बाद में नहाइए मत, नहाने के बाद लगाइए, कपड़ा पहनिए और अपने दिन की दिनचर्या को करिए। ये उपाय 40 दिन लगातार करिए, और हो सके तो 40 दिन शिव मंदिर जाइए, वहाँ जा करके अगर कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो एक लोटा जल और एक दिया जला करके चले आइए। 40 दिन के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, थोड़ी सी दवा भी आपके लिए कारगर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है विजय जी। जय माँ विंध्यवासिनी। इलायची के वो खास उपाय जो हमारी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं, बताइए पंडित जी इलायची के वो खास उपाय। बुधे न बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध जो है ग्रह, ये बुद्धि का कारक है और त्वचा का पक्का कारक है। स्किन का पक्का कारक है बुध, और बुद्धि का पक्का कारक है बुध, बाणी का पक्का कारक है बुध। तो भैया अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध नीच राशि में जहाँ 12 लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर बुध हो, या नवमांश कुंडली में जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बुध हो, तो आपको नित्य इलायची का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में इजाफा होगा, इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी याददाश्त तेज होगी। अगर बच्चा मंद बुद्धि लग रहा है और उसे सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो आप उसे एक इलायची रोज़ सुबह खाने में ज़रूर दें, और हो सके तो अगर आप बड़े हैं और बुध आपका अस्त है या नीच राशि में है या स्किन डिजीज से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको एक हरे रंग की रुमाल में, जो छोटी सी रुमाल होती है जिसे हम दस्ती भी कहते हैं, हैंडकरचीफ भी कहते हैं, तो उसे आप अपने पास हमेशा रखिए, उसमें 6 इलायचियाँ रख करके और उसे जेब में रखिए। अगर किसी भी काम में आपको सफलता चाहिए तो एक छोटी इलायची आपको, वैसे तो शिवलिंग पर कई इलायचियाँ आपको चढ़ानी चाहिए, लेकिन एक पान के पत्ते पर लौंग और इलायची रख करके, पान का बीड़ा लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करने पर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हर रोज एक कटोरी में इलायची और जल भरकर पूजा स्थान में रखिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र को एक माला हर रोज जप करिए। पूजा करने के बाद घर में जल छिड़क दीजिए। सुबह शाम एक एक इलायची का सेवन करिए। इलायची सचमुच में एक तरह से वरदान है। एक तरह से इलायची जो है ये भाग्योदय के लिए बहुत आवश्यक है और बुध ग्रह के लिए तो बिल्कुल ये अमृत के समान है। तो इलायची घर के पूजा स्थान में होनी चाहिए। लौंग इलायची तो होनी ही चाहिए, इसलिए पूजा स्थान में इलायची भी होनी चाहिए। और जिन लोगों का बुध ग्रह खराब है उन्हें इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी, और आपने बताया वो सात चीज़ें कौन सी हैं जिसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और एक ज़रूरी सूचना कि 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप वीडियोस के माध्यम से हमारा, पंडित जी का और कालचक्र की पूरी टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं। अपने वीडियोज़ आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, kalchakra@bag.in पर। और आपके ये वीडियोज़ और आपका साथ इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना देगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।